बैल ने सारा वृतांत बताया। अब राजा की बुद्धि में बात आई कि दसम हरण में जाके जी हालत है तो भगवान में तो झगड़ा के झगड़े ले डोल लो। दोनों हाथ जुड़ गए थे, आप बैल रूप में कोई भी हो लेकिन मुझे इतना उपाय बताओ अब कि मैं जा उरात नरेश के कर्ज से कैसे मुक्त होऊंगा। उत्तरानंदन परिषद और अभिषेक यादव की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आया है जो हमारे गुड्डू भैया के सुपुत्र हैं। कामना करेंगे प्रभु परमात्मा बेटा को दीर्घायु प्रदान करता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। हेलो, बोलिए गोविंद भगवान की। राजन परीक्षित, तब वो बैल अपनी भाषा में जवाब दे रहा है। सुनिए अयोध्यापति, जा उरात नरेश के करते मुक्ति पाना चाहते हो तो एक काम करना होगा आपको। जाय धन को, जय धन प्रजा के हित में खर्च मत करना। और मैं बता रहा हूं उपाय तुम्हें क्या। आरे साहूकार भेद छिपाई के एक ताला भूप खो दवाई। आरे धनुष बाणा
राजन परीक्षित जी बात उस बैल ने बताई थी कि जाई सेठ को नाम लिखवा दियो पटिया पे, जब ताल खुद जा पटिया लगवा के और नौकर बन के तुम पहरा देना और जा कर्जत बच जाओगे जाओ। राजन परीक्षित इतनी बात कही, बैल ने